हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद हेमू में सभी का स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही थी मेथी की पकौड़ी, हमारे यहाँ जिसको भजिया बोलते हैं वो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर किया जाए, आप सबसे। तो मैं जो लेने वाली हूँ वो आप सबको बताती हूँ। मैंने लिया है 250 से 300 ग्राम मेथी की भाजी, मेथी तो वो हमें यहाँ इसमें डाल लेंगे। मेथी हमने इसमें डाल ली है। अब लिया है हमने हरी मिर्च और ये हमने ताज़ी धनिया पत्ती ली है अभी की, जो हम इसमें डाल लेंगे। धनिया पत्ती डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे ये बेसन, जो मेथी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, ज़्यादा या कम ना हो जाए। तो ये हमने लिया है बेसन। फिर इसमें ली हमने थोड़ी सी काली मिर्च, जो हमने दरदरी कूट ली है। फिर लिया है हमने थोड़ा सा गरम मसाला, वो भी डाल देंगे हम इसमें। और लिया है थोड़ा सा सोडा खाने वाला, वो डाल दें। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, जो ये हमने डाल दिया इसमें नमक। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन, अब लेंगे हम थोड़ा सा लेमन जूस, जो इसी में डाल देंगे। अब हम इस सबको मिला लेंगे। अभी हमारा अच्छा मिल गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हंसी कर लो, पानी डालो थोड़ा थोड़ा डालियो। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, डालो। ये हमारा बन गया है, अच्छे से पानी डाल दिया है। अब इसके हम पकौड़े बनाएंगे। और मेथी के पकौड़े में ना मेथी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगते हैं। चलिए तो हम इन्हें बनाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारी कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम पकौड़े। आज धीमी रखनी है ताकि अच्छे से सिकें हमारे पकौड़े। यार, और बहुत ही सॉफ्ट हैं और क्रिस्पी भी हैं, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत ही, मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा है, पापा जी को भी बहुत अच्छे लगे हैं। चलिए तो फिर, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच सभी को। और ये देसी पकौड़े हैं, देसी स्टाइल, देहाती स्टाइल। ओके, बाय बाय।